आज हम यूनिट फाइव स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेब्स हम पढ़ेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहता है डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आपका ये हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज इनकसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कटर लॉ एम्पियर सर्कटर लॉ जो है वो आपके क्लोज्ड सरफेसिस के लिए वैलिड रहती है जैसा कि इसकी डेफिनेशन कहती है कि लाइन इंटीग्रल ओवर ओवर ऑफ अ अ मैग्नेटिक फील्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू सरफेड सरफेस ठीक है तो ये जो आपकी एम्पिय लॉ है ये कैपेसिटर के केसेस में आके फेल हो जाती है ऐसा क्यों होता है हम कैपेसिटर की अगर अरेंजमेंट देखें तो कैपेसिटर की अरेंजमेंट में आपका बीच में स्पेस रहता है दो प्लेट्स लगाई जाती हैं और प्लेट्स के बीच में क्या रहता है स्पेस तो आप देखो तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है एक तरह से बीच में आपके कोई वायर नहीं है तो सर्किट ब्रेक होने की वजह से क्लोज नहीं रह पाता और क्लोज ना होने की वजह से हम कहते हैं कि इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ को फॉलो करेंगे लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में करंट पास करता है तो देर देर इज अ इनकन्सिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कूटर लॉ और इसको इम्प्रूव किया था आपको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने तो इसके बारे में हम देखते हैं पहले लेटस्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर हम एक पॉइंट आर ले लेते हैं ठीक है इस पॉइंट को आर नाम दिया गया है और इसका लूप लिया हमने सी वन अब आप देखो पीछे से इसमें से करंट आ रहा है आई तो करंट आने की वजह से क्योंकि इसका रेडियस आर है तो करंट आने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस जीरो वट इज डी एल वो सर्कल का आपका सर्कम्फ्रेंस होता है इट इज़ टू पाई आर अगर आर आपने स्मॉल लिया है क्योंकि बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होती है तो बी जो आपने अभी निकाला बी इंटू टू पाईआर किसके बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई तो यहाँ से आपके पास बी कितना आ गया 2 तो ये हुआ जब आपने क्या लिया एक क्लोज लूप लिया वायर के ऊपर ठीक है अब ये कहता है कि इस क्लोज लूप को थोड़ा और बड़ा कर दो और उसको कैपेसिटर के अंदर से ले लो तो जब मैंने क्लोज लूप को कैपेसिटर के अंदर से लिया तो यहाँ पे तो आपके कोई वायर नहीं है मतलब आपका कनेक्शन कट हो गया ठीक है आपकी कोई वायर टच नहीं कर रही है इस लूप को तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपके कोई करंट नहीं है तो आपकी मैग्नेट फील्ड इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए जीरो हो जानी चाहिए तो यही आपने यहाँ देखा कि करंट आपका कितना है जीरो जिसको हमने ये जो लूप लिया इसको हम टिफिन बॉक्स सरफेस कहते हैं ठीक है थीके? तो सर्कटर लॉ लगाने के बाद हमारी मैग्नेट फील्ड इसमें जीरो आ जाएगी क्योंकि म्यू नॉट आपका जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा फिर ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक केस में वी है मैग्नेटिक फील्ड एंड इन अनदर केस उसी पॉइंट के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है ठीक है आप ध्यान से देख सकते हो जब लूप आपने छोटा सा लिया तो आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यही लूप जब आपने बड़ा कर दिया तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब देर इज़ अ इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्किट लॉ और इसको इम्प्रूव किया मॉडिफाई किया आपके मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने कहा कि ये ये जो आपको है, ये आपको current है? आपको है, है? देगी, देगी? ठीक क्या प्रोड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देगी जो मिसिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होनी चाहिए ठीक है जो हमने शुरू में कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हम देखते हैं कैसे किया इन्होंने

अब एक आता है जो ये मैग्नेटिक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये बिटवीन द प्लेट्स आपकी रहेगी ठीक है और बाहर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है जीरो क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है तो अंदर तो आपके पास है और बाहर क्या है इसकी वैल्यू जीरो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज गिवन बाय ई डॉट ए ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस्ट जीरो ई की वैल्यू पुट करेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्यू बाय एफ नॉट डिफरेंशियट करेंगे d phi e by dt, तो ये वाला भी डिफरेंशियट होगा डी बाई डी टी और क्यू यहाँ से डी क्यू बाई डी टी निकालोगे तो ये बन जाएगा फाइ e dt इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस विल गिव यू द करंट जब फ्लक्स चेंज होगा तो वी हैव अ करंट इन द सर्किट और इस करंट को नाम देंगे आई डी तो ये डी क्यूब आई डी किसके बराबर है डी क्यूब आई डी टी जिसको नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है तो अब इसको आपने समझना है कि जब आपने टैपिंग की दबाई तो धीरे धीरे आपका चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और इसमें चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर हो जाएगा उस टाइम पे आपका जो है करंट फ्लो जीरो हो जाएगा तो ये कह रहा है कि जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी पहले एक आया फिर दो, फिर तीन, फिर चार. इस तरह से आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट ये फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट करंट देगा किसके अंदर देगा आपको इन प्लेट्स के बीच में फिर जब पोटेंशियल बराबर हो गया दोनों साइड का तो ये आपका कंडक्शन करंट इसको बाहर वाले करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं तो बाहर वाला जो कंडक्शन करंट है ये आपका जीरो हो जाएगा और अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गई सॉरी कॉन्स्टेंट हो गई तो आपकी क्या हो जाएगा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट हो गई है तो आपका जो है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका फ्लो भी आपका जीरो हम एज्यूम कर लेते हैं ठीक है तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को बना दिया म्यू नॉट इजकू आई प्लस आई डी ठीक है तो आई प्लस आई डी को आप समझो क्या हुआ ये म्यू नॉट आई प्लस आई डी कैसे हुआ जब बाहर ले रहे हैं तो आई आपका क्या है आई है और आई डी कितना है जीरो तो टोटल करंट कितना हुआ आई जब आप अंदर चले जाओगे तो आई आपका कंडक्शन करंट जीरो हो गया अब यहां पे कौन सा चल रहा है आई डी ठीक है तो आई प्लस आई डी अल्टीमेटली आपको मिलेगा वही म्यू नॉट आई ठीक है तो आई डी कब है जब आप कैपेसिटर के अंदर हो और आई कब है जब आप कैपेसिटर से बाहर हो ठीक है तो दोनों को मिला के आपको करंट वही मिलने वाला है तो आई डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आई प्लस म्यू नॉट डी फाई ई बाय डी टी ठीक है तो आई डी है डिस्प्लेसमेंट करंट इन साइड द कैपेसिटर एंड आई है आपका कंडक्शन करंट आउटसाइड द कैपेसिटर ठीक है तो इसको समझना